अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस सुमैया। पेज नंबर 57, रिमेंबरिंग द डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें सॉल्व करना है, राइट द HCF ऑफ। नंबर ए में है 18, 27 एंड 36। हम इसे इस तरह सॉल्व, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम डिवीजन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में पार्ट ए में 18, 27 एंड 36 है। जब हम डिवीजन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स लेते हैं क्योंकि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। और हमारा पहला प्राइम नंबर यहाँ पर 2 है और 18 जो है वो 2 से सॉल्व हो रहा है। प्राइम नंबर मींस वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, जैसे 2, 3, 5, 7। यहाँ पर हम 18 को जब सॉल्व करें तो वो 2 से सॉल्व हो रहा है। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसके बाद 27 पर आ रहे हैं तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अगर हम 36 पर आ रहे हैं तो 2 1 2 एंड 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। जब हमने इसे सॉल्व कर लिया, इस तरीके से हमारे पास 18, 27 और 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए 2 × 3 × 3, और 27 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 3। 36 के 2 × 2 × 3 × 3। अब हमने यहाँ पर जो कॉमन हमारे फैक्टर्स हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे, उसके हमने लूप बना दिए। जैसे 3 अगेन 3, हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर्स आए। 2 कॉमन फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए, कॉमन फैक्टर 3 × 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 9। इस तरीके से हमने इसके HCF मालूम कर लिया। पेज नंबर 58, द डिवीजन मेथड एंड HCF। इस पेज पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ब्रेक दिस पेयर्स ऑफ नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स देन फाइंड देयर HCF एंड LCM। यहाँ पे हमें HCF और LCM दोनों मालूम करने हैं। नंबर ए में हमारे पास है 64 एंड 148, तो 64 और 148 को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें प्राइम फैक्टर्स ही मालूम करने हैं। हमने इसे सॉल्व किया, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसके बाद हम 148 पर आ गए, 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 7 14, 37 1 37। हमारे पास यहाँ 64 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसके बाद हमारे 148 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 2 × 37। हमें इसमें HCF मालूम करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जब हम HCF मालूम करते हैं तो HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास HCF आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 और 2 हैं, जिसका हम लूप बनाते हैं वो हम वन टाइम लिखते हैं, 2 एंड 2, यानी 2 2 4। हमारे पास HCF जो है वो 4 आ गया। और LCM में ये होता है कि हमारे पास जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो भी मल्टीप्लाइड होते हैं, और जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो HCF में ऑल अदर फैक्टर्स, HCF में बाकी ये जितने भी फैक्टर्स हैं उसे हम मल्टीप्लाई, बाकी ऑल जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि HCF हमारा 4 है, और मल्टीप्लाई जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे 2 × 2 × 2 एंड 37। अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64, एंड 64 37 2368। इस तरीके से हमारा HCF 64 और 148 का HCF 4 आ गया, और 64 और 148 का LCM 2368 आ गया।